वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट शहीद्स हैशटैग लाइफटाइम ब्लॉग। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ सूखा गोश्त। तो ये सिर्फ पाव किलो के हिसाब का है, तो बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमें लेना है गोश्त और ये सब सूखे मसाले, धनिया, जीरा, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, नमक, लाल मिर्ची पाउडर है और चिकन मसाला है और दही हमने मैरिनेट कर दिए। इसमें मैंने एक स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दी और थोड़ा आमचूर और साथ में गरम मसाला। इसको मैं मैरिनेट करके 10-15 मिनट के लिए रख दूंगी। तो अभी हम कुकर रख दिए हैं और अभी हम करेंगे मटन फ्राई। तेल ज्यादा नहीं डालना है। अब इसमें जाएगा हमारा मटन, हमने मैरिनेट करके रखे थे। अभी इसको हमें भूनना है, अच्छे से भूनना है। थोड़ा तेल आना चाहिए ऊपर और फिर हम लोग इसको 3 से 4 या 5 विसल ले लेंगे। इसको पहले हम लोग अच्छे से भून लेंगे फास्ट फ्लेम पे रख के। चिकन सूप डाल दूंगी। ये देखिए, इसे हमें अच्छे से भूनना है और मैंने इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल दी, बिकॉज नींबू भी डाल सकते हैं बट विनेगर था तो मैंने थोड़ा सा विनेगर डाल दी, तो उसमें थोड़ा टैंगीपन अच्छा लगेगा, स्पाइस के साथ में थोड़ा खट्टा अच्छा लगता है। अब हम इसे रख देते हैं और थोड़ी देर बाद मैं ऐसे विसल लगा दूंगी, 4 सीटी ले लूंगी, फिर देखती हूँ क्या करना है। ओके, मैंने इसमें ना 1/2 ग्लास का भी 1/2 पानी डाली हूँ, बिकॉज मुझे ऐसे विसल लेना है तो वो थोड़ा पकने के लिए पानी का यूज़ होगा। ओके, उसके बाद हमें सुखा देना है उसे। मैं इसको विसल ले लेती हूँ अभी। सो मटन सूखा बन के रेडी हो चुका है। मुझे 10 विसल लेना पड़ा, उसके बाद वो बन गया। बिकॉज मुझे लगा था 4 विसल में हो जाएगा, 4-5 में, बट नहीं। फिर इसमें मैंने थोड़ा और पानी ऐड ऑन की थी और उसको अच्छे से भूनी मैंने, उसके बाद वो बन गया और वो मैंने भी सर्व किया। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये हम इसको छाछ के साथ में सर्व करेंगे और ये ट्राई करना, बहुत ही अच्छा बना है। Thank you for watching.